आजाद के आरोपों का अखिलेश ने दिया जवाब। जिस समय मैंने दो सीटें दी वो स्वीकार कर लिया। अखिलेश बोले, भाई बनकर काम करना है तो करे। अगर वो भाई बनकर भी मदद करना चाहते हैं तो करें। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन नहीं हो पाया, जिसके बाद आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। पहले चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश पर दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया था और अब अखिलेश यादव ने आजाद के आरोपों का जवाब दिया है। अखिलेश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि इसके लिए आजाद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि पहले वो दो सीटों पर मान गए थे लेकिन फिर बाद में मना कर दिया। अखिलेश ने आजाद के भाई मानने वाले बयान पर भी जवाब दिया। जिस समय मैंने दो सीटें दी वो स्वीकार कर लिया। उसके बाद पता नहीं कहां संगठन में किससे बात हुई, दिल्ली बात हुई, कहां बात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम दो सीट पे नहीं रह सकते, हमारे संगठन में आपस में सहमति नहीं है। इसमें समाजवादी पार्टी का क्या दोष है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं बैठे हुए लोग दूर दूर साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है कि समाजवादी पार्टी ने त्याग किया अपनी अपनी गठबंधन के लोगों को सम्मान देने के लिए, साथ लाने के लिए। इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी त्याग करना चाहे त्याग करना चाहिए, समाजवादी पार्टी कर रही है त्याग। और जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, मैंने सीटें दी थी, अगर वो भाई बन के भी मदद करना चाहते हैं तो करें। समाजवादी पार्टी ने, और केवल समाजवादी पार्टी का प्रयास नहीं था। अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांशीराम का जिक्र करते हुए कहा कि हमने पहले भी कोशिश की थी और अब भी प्रयास किया, लेकिन कोई है जो एक नहीं होने देना चाहता। केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी की सवाल नहीं था। अगर पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के साथ काम करना चाहते थे। क्या इतिहास नहीं जानता? इतिहास में वो बातें दर्ज हैं कि पत्र लिखे गए थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे। और एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया था। उससे पहले नेताजी ने कोशिश की थी। माननीय काशीराम जी को पहली बार सदन में अगर कहीं से भेजा गया था, वो हमारे गृह जनपद से भेजा गया था, इटावा से भेजा गया था। तो कोई किसी के कहने से आरोप न लगाए। इसीलिए मैंने कहा उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बड़ी बड़ी साजिशें हैं, बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं, होंगे। वो सवाल जो आया था वो भी षड्यंत्र का हिस्सा था, ये सवाल जो आया ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है, बड़े षड्यंत्र होने जा रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। शनिवार को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश पर क्या कहा था वो भी सुनिए। रोकने के लिए हमने कदम बढ़ाया, सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें। और दो दिन में निराशा हुई कि एक महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया, ये दुखद। अपमानित किया आपको? ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। उनको चिंता हो या ना हो, वंचित वर्ग के लोगों की हमें चिंता है। मैं प्रमाणित भी करता हूं कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक दलित की हत्या पे, रेप पे, कितने बड़े बड़े मामले में नहीं गए उनके घर, फिर भी हमने सारी चीजों को दरकिनार करके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर उनके घर गए, 3-3 बार उनसे मुलाकात की, उनसे अपील की कि इसको बना लेते हैं। लेकिन वो शायद किसी मन से तय करके बैठे कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होने देनी। हालांकि बाद में आजाद ने कहा कि अगर अखिलेश मुझे छोटा भाई मान ले तो बिना शर्त काम करने के लिए तैयार हूं। ऐसे में आज अखिलेश ने ये तो कह ही दिया कि वो भाई समझकर काम करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आजाद क्या फैसला करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।